रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना। ओके स्टार्ट करूँगा। सैमसंग एक्जिनोस 2100 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888, आज दोनों कंपेयर करेंगे कि किसकी स्पीड तेज है, कौन सा बेटर है, कौन सा आपको खरीदना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोनों प्रोसेसर के हम कोर्स की बात करते हैं, तो स्नैपड्रैगन 888 में आपको 8 कोर्स मिलेंगे और सैमसंग एक्जिनोस में अंदर आपको भी 8 कोर्स ही मिलेंगे। सेम दोनों को मिलेगा कोर, 8-8 दोनों में सेम है। मल्टी कोर स्कोर की बात करते हैं, तो स्नैपड्रैगन 888 में आपको स्कोर मिला है स्नैपड्रैगन 1129 का और एक्जिनोस को मिलेगा 1101 का स्कोर मिला है, जो कि स्नैपड्रैगन ज़्यादा बेटर है सिंगल कोर स्कोर में। मल्टी कोर स्कोर की बात करते हैं, तो स्नैपड्रैगन 888 में स्कोर मिला है 3749 का और सैमसंग एक्जिनोस को मिला है 3631 का, जो कि स्नैपड्रैगन मल्टी कोर स्कोर में भी आगे है। रैम स्पीड की बात करते हैं, तो स्नैपड्रैगन 888 के अंदर आपको रैम स्पीड मिलेगी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की और सैमसंग एक्जिनोस में भी आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की ही रैम स्पीड मिलेगी। कैच कितने MB कैच करेगा, तो स्नैपड्रैगन 888 की बात करते हैं, तो आपको 4 MB कैच करेगा स्नैपड्रैगन 888 और एक्जिनोस भी आपकी 4 MB ही कैच करेगा। सेम दोनों 4 MB कैच करेंगे। डाउनलोडिंग स्पीड कितनी होगी, स्नैपड्रैगन 888 की डाउनलोडिंग स्पीड होगी 7500 MB पर सेकेंड और सैमसंग एक्जिनोस की होगी 3000 MB पर सेकेंड की, जो कि सैमसंग एक्जिनोस की बहुत ही ज़्यादा स्पीड है डाउनलोडिंग कंपैरिजन टू सैमसंग एक्जिनोस। अपलोडिंग स्पीड स्नैपड्रैगन 888 के अंदर आपको अपलोडिंग स्पीड मिलेगी 3000 MB पर सेकेंड की और एक्जिनोस में आपको मिलेगी सिर्फ 422 MB पर सेकेंड की, जो कि स्नैपड्रैगन 888 बहुत ही ज़्यादा है अपलोडिंग स्पीड भी और डाउनलोडिंग स्पीड भी। चिप साइज स्नैपड्रैगन 888 का चिप साइज होगा 5nm का और सैमसंग एक्जिनोस का भी 5nm का ही चिप साइज होगा, दोनों के सेम चिप साइज हैं। पावर कंजप्शन कौन ज़्यादा पावर लेगा, तो स्नैपड्रैगन 888 आपको 9W का पावर कंजप्शन लेगा और इसने सैमसंग एक्जिनोस 10W का पावर कंजप्शन लेगा, तो स्नैपड्रैगन यहाँ पर कम बैटरी लेगा कंपैरिजन टू सैमसंग एक्जिनोस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।